So last section what we did for revision was section 19. 20, 21 is not 19, 20, 21. All these three sections is not applicable for CA inter level. So now section 22 to section 30 we are revising. That is registration under GST. एकदम इजी आप लोगों को पढ़ना चाहिए. सेक्शन 22 मींस अ पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर. सो एनी पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट. स्पेसिफाइड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख थ्री लिमिट्स है. पूरे जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर मींस टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रीमाइसेस ऑफ असेसी. इट इंक्लूड टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई. टर्नओवर में कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होएगा और इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम इंक्लूड नहीं होएगा. सो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन सेम है एग्जैक्टली जो कंपोजिशन स्कीम में पड़ा है. स्पेसिफाइड लिमिट इफ यू आर इन टीएनएम स्टेट्स. टीएनएम स्टेट्स मींस त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. तो आप गुड्स बेचो या सर्विस दो 10 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है. इफ यू आर इन टप्पू सैम स्टेट, तेलंगाना, पुद्दुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, देन 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. बट इफ यू आर इन हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम, होजा स्टेट्स, देन इफ यू आर सेलर ऑफ गुड्स 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है. सप्लायर ऑफ सर्विसेज 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है. अगर कंपोजिट सप्लायर है, गुड्स प्लस सर्विस दोनों दे रहा है, तो 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. बराबर है. सो टप्पू सैम 20 लाख, टीएनएम 10 लाख, होजा 20 और 40 लाख एज द केस में भी. इन विच स्टेट यू आर लाइबल टू रजिस्टर. अच्छा, 40 लाख का लिमिट जो था वो गुड्स के लिए है, बट ये ऑलरेडी अपन ने अमेंडेड पढ़ा होएगा. आइसक्रीम एडिबलाइज, टबैको, टबैको सब्सटीट्यूट, पान मसाला, ये तीनों के लिए टर्न ओवर 20 लाख ही है. एंड फिर लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया होगा फ्लाई एश ब्रिक्स, रेड मड ब्रिक्स और फ्लोरिंग एंड रूफिंग टाइल, बिल्डर वाला. प्लीज चेक करो यस और नो. ये तीनों सप्लायर के लिए 20 लाख का लिमिट ही एप्लीकेबल है, 40 लाख का नहीं है. महाराष्ट्र में आपको टैक्स तभी भरना है अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो 40 लाख के ऊपर. बट आइसक्रीम एडिबलाइज, पान मसाला, टबैको, टबैको सब्सटीट्यूट 20 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स भरना है. 40 लाख का एडवांस लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. And even this limit is not applicable to fly ash bricks, red mud bricks, organic bricks, वो सब पढ़ाया होगा, flooring and roofing tiles. तो यहाँ पे composition scheme भी नहीं मिलता है और इन लोग को supplier को 20 lakh के ऊपर registration लेना है, not 40 lakhs. Now, in which state you are liable to register? You are liable to register in the state from where you make taxable supply. So, अगर आपका महाराष्ट्र में एक office है, एक महाराष्ट्र में के ऑफिस से आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में किधर भी सप्लाई करो, यू आर लाइबल टू रजिस्टर ओनली इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपके 50 ऑफिस है तो सब ऑफिस का एक ही जीएसटी नंबर लोगे तो भी चलेगा, 10 नंबर लेने का जरूरत नहीं है. बट अगर आपके पास महाराष्ट्र में एक ऑफिस है और राजस्थान में एक ऑफिस है और दोनों ऑफिस से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपको दोनों ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा दोनों स्टेट में. और अगर आप दो स्टेट से सप्लाई कर रहे हो बट एक से एग्जेम सप्लाई करते हो, तो आपको वो एग्जेम सप्लाई टर्न ओवर में काउंट होएगा बट वो स्टेट में नंबर लेने का जरूरत नहीं है. सो यू आर लाइबल टू रजिस्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर यू मेक टैक्सेबल सप्लाई. सो इफ यू आर मेकिंग एन एग्जेम सप्लाई, वो स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं करना. देन इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो जो पर्सन उसका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो ये पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करेगा और खुद को नया नंबर लेना पड़ेगा. इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगमेट हो रहा है, तो ए बी लिमिटेड को जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो डेट पे ए बी लिमिटेड को पुराना नंबर कैंसिल करना पड़ेगा और खुद को नया नंबर लेना पड़ेगा. सिंपली पुट, इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, वेदर ऑन डेथ ऑफ प्रोप्राइटर और सेल ऑफ बिजनेस, अमालगमेशन, डीमर्जर और एनी अदर थिंग, जो न्यू ओनर है उसको फ्रेश नंबर लेना पड़ेगा और पुराने वाले का नंबर कैंसिल करना पड़ेगा. दैट इज सेक्शन नंबर 22. एनीवन एनी डाउट इन सेक्शन 22? सर, जैसे बता रहे थे एग्जेम्प्ट का टैक्सेबल सप्लाई है सर,
यहाँ पे सर एग्जाम चलता है, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, और कुछ और में काम करना है ना। सो महाराष्ट्र में टर्नओवर 12 लाख का है, गुजरात में टर्नओवर 12 लाख का है सर्विस प्रोवाइडर का, और गुजरात में एग्जाम सप्लाई कर रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर 24 लाख है। नंबर तो लेना है बट महाराष्ट्र में लेगा, गुजरात में नहीं लेगा। और कोई डाउट? सेक्शन 23 अपना ने 22 में पढ़ा, 40 लाख 10 लाख 20 लाख, अगर ये लिमिट क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी है। हाउएवर ये लिमिट क्रॉस भी हो जाएगा तो भी तीन जन को नंबर नहीं लेना है। फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट को नंबर नहीं लेना है। एग्रीकल्चरिस्ट मींस अ पर्सन हु इज कल्टीवेटिंग द लैंड एंड उसका इनकम डिराइव हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट इन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सो मेरा सिर्फ पेट्रोल बेचने का बिजनेस है तो मुझे नंबर नहीं लेना है। मेरा सिर्फ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का बिजनेस है तो मुझे नंबर नहीं लेना है। अगर मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नंबर नहीं लेना है। ये तीन जन को एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चरिस्ट, पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दे आर नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ। हाउएवर एज पर सेक्शन 24 देर आर फ्यू पर्सन दे आर कंपल्सरीली लाइबल टू रजिस्टर इवन इफ टर्न ओवर इज 1 रुपी। आई टी, NRI, ECO, I think ये मैंने पढ़ाया होगा, yes or no? Yes sir. Why is person making interstate taxable supply of goods, service provider or handicraft goods को ये चीज applicable नहीं है? So if you are making interstate taxable supply of goods, you are compulsorily liable to register even if your turnover is 1 rupee. However, for service provider making interstate supply or handicraft goods, this provision is not applicable. Casual taxable and non-resident taxable person are compulsorily liable to register in India. Then person supplying the goods or services through electronic commerce operator. So yahan pe do example hai. Every electronic commerce operator are liable to register. So Ola ko bhi lena hai, Flipkart ko bhi lena hai. But whether a supplier ko lena hai registration ya nahi lena hai. So if the supply is covered by 9-5, to supplier ko number nahi lena hai. 9-5 applicable है तो supplier को number नहीं लेना है, only ECO will take the number. But if 9-5 is not applicable, supplier as well as ECO both are compulsorily liable to register. So every electronic commerce operator is liable to register and supplier of goods supplying through electronic commerce operator is also liable, but 9-5 वाले supplier को नहीं register होता है. So ITNRI को मैं I means interstate taxable supply of goods. T is person liable to deduct tax at source. N is non-resident taxable person. R is person liable to pay tax under reverse charge mechanism. I is input service distributor. उसका concept CA Inter पे applicable नहीं है. Every electronic commerce operator और उसका supplier, casual taxable person and OIDAR, online information database access and retrieval services. अगर Netflix India के बाहर है बट वो OIDR सर्विस दे रहा है तो उसको नंबर लेना कंपलसरी है। दैट इज सेक्शन नंबर 24। एनीवन एनी डाउट? 22 23 24 एनी डाउट? तो OIDR को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सो जब आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस यूज कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो और आप इंडिया में हो तो नंबर नेटफ्लिक्स को लेना कंपलसरी है बिकॉज यू आर non-taxable online recipient. Okay, sir. Handicraft goods का कंजीजन होता है। Handicraft goods पे 20 लाख से 40 है। Handicraft goods पे कंफ्यूजन मतलब तू सेक्शन 24 से तो बाहर चला गया। अगर तू सेक्शन 24 से बाहर चला गया तो नॉर्मल लिमिट में तू चला गया। सो एक्सक्लूसिव गुड्स है तो 40 नहीं तो 20। ओके सर। ओके।
सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक बार बताओ ना. अब बेटा वो रट्टा मारने का है, अपने सिलेबस में है नहीं, तो सेक्शन 19 नहीं है. बट अगर तुझे समझने का है तो, अगर मेरा ही एक ऑफिस है, नीरज का एक अंधेरी में ऑफिस है और एक सपोज गुजरात में ऑफिस है, जितने भी फैकल्टी लेक्चर ले रहे हैं अंधेरी या गुजरात में, सब लोग बिल बना के दे रहे हैं अंधेरी ऑफिस में, तो अंधेरी ऑफिस को अगर अपना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको नंबर लेना पड़ेगा एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ओके सर. नेक्स्ट इज सेक्शन 27. सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, जो आप लोगों को पढ़ने का, रिवाइज भी आप करोगे, बट प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं बता दूंगा एंड में. सेक्शन 26 इज डीम रजिस्ट्रेशन. सिंपली वो बोल रहा है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो नंबर लिया है वही नंबर सेंटर के साथ यूज हो जाएगा, आपको नया नंबर नहीं लेना है. सो आपको नंबर स्टेट वाइज लेना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेपरेट नंबर लेने का जरूरत नहीं है. देन एनआरटीपी एंड सीटीपी, इन लोग का टेम्पररी बिजनेस होता है. अगर मुंबई का ज्वेलर अगर गुजरात के एग्जीबिशन में जा रहा है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है. चाइना का ज्वेलर अगर गुजरात में आ रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है. इन लोग को रजिस्ट्रेशन गुजरात में लेना कंपलसरी है, बट इन लोग को रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर देना है. और जब भी इन लोग एप्लीकेशन देंगे, विद द एप्लीकेशन इन लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा कितना सेल्स होने वाला है एग्जीबिशन में और कितने का इन लोग को ITC मिलने वाला है. वो एस्टिमेशन के साथ उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा. सो CTP एंड NRTP आर कंपल्सरीली लाइबल टू रजिस्टर. However, they are liable to register at least 5 days prior to the date of commencement of business. And at the time of registration, आप estimate करो आपका sales और ITC कितना है. Sales में से ITC minus करके advance tax pay करो. ये जो number है, वो valid रहेगा for maximum 90 days. So अगर आपने application में 40 days लिखा है, तो 40 days के लिए valid है. 50 लिखा है, तो 50 के लिए valid है. 120 लिखा है, तो 90 days valid है. Once 90 days lapse, आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर फर्दर 90 डेज. टोटल 180 डेज का आपको नंबर मिलेगा. 180 डेज से ज्यादा आपको नंबर मिलने वाला नहीं है. 180 डेज क्रॉस फिर भी कर रहे हो तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो, ये रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. तो आपने सेक्शन 27 में स्टार्ट में क्या बोला, सेंट्रल और स्टेट रजिस्ट्रेशन का. 26 Any doubt in section 27? Section 29 is cancellation of registration. So, दो cases हैं. एक assessee खुद application देगा, मुझे number cancel करना है, और एक officer cancel करेगा. Assessee application देगा when he is no longer liable to register. So, discontinuation of business, transfer of business, death of business, amalgamation, demerger, change in constitution, proprietor firm पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तो पुराने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर कैंसिल करना है. एंड इफ अ पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर, मेरा टर्नओवर बिलो लिमिट चला गया, तो आप नंबर कैंसिल कर सकते हो. सो इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन केस पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर, ही कैन कैंसिल हिज नंबर. बट अगर आप नॉर्मल डीलर हो, आपने लगातार 6 महीने का रिटर्न अपलोड नहीं किया, कंपोजिशन डीलर ने लगातार 3 quarters का रिटर्न अपलोड नहीं किया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट लिया है, या आपने लॉ कॉन्ट्रावीन किया है, आपने इनवॉइस बनाया बट गुड्स नहीं बेचा, आप लोगों ने जो डिक्लेयर्ड प्लेस है वहां पे बिजनेस कंडक्ट नहीं हो रहा है, एंटी प्रॉफिटिंग रूल, आपने कस्टमर से ज्यादा टैक्स लिया गवर्नमेंट को पे नहीं किया, या आप लोगों ने बैंक डिटेल्स नहीं फर्निश किया, या तो ITC रॉन्गली अवेल्ड किया, तो ये सब कॉन्ट्रावेंशन में ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा नंबर कैंसिलेशन का, और ऑफिसर नंबर कैंसिल कर देगा. नंबर कैंसिल हो रहा है आपका बिकॉज ऑफिसर ने कैंसिल किया है, कोई सुन रहा है? Yes, sir. However, आपका बिजनेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है.
वॉट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई टू द ऑफिसर कि मुझे नंबर वापस से चाहिए. सो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन कि मुझे नंबर दो, मैंने जो भी फ्रॉड किया है वो मैं मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा. जैसे मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो आपको पहले रिटर्न्स अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप एप्लीकेशन दो विद इन 30 डेज कि मेरे को नंबर वापस चाहिए. अगर ऑफिसर को जेन्युइन केस लगता है तो नंबर देगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर सकता है. सेक्शन 25 प्रोसीजर में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन स्टेट वन नंबर इज अवेलेबल. तो आपको महाराष्ट्र में 10 नंबर नहीं लेना है, एक ही नंबर लेना है. बट आपका महाराष्ट्र में एससीजेड में अगर एक ऑफिस है तो एससीजेड ऑफिस का नंबर अलग से लेना पड़ेगा. आपको रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स देना है, उसमें से तीन नंबर पहले देने का है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन. अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको पैन के बदले फॉरेन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे तो भी चल जाएगा. देन अगर आप यूनाइटेड नेशंस हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बदले यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है. नॉर्मल लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है 15 डिजिट का होता है. फर्स्ट टू डिजिट स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट 10 डिजिट पैन होता है, नेक्स्ट टू डिजिट एनटीडी कोड होता है और लास्ट डिजिट जो है वो चेकसम नंबर होता है. सो दैट इज हाउ GSTIN goods and service tax identification number is divided into 15 digit code. फिर इसमें important है section 25 में कि अगर आप liable to register नहीं हो फिर भी आपको number लेना है तो आप voluntary registration ले सकते हो. और distinct person under section 25 जो definition of supply में पढ़ा था वो एक आपको पढ़ने का है. So that is registration under GST section 22 to section number 30. Any doubt in registration topic? इसके sums में confusion होता है. Sums मैंने दिए है ना अपने क्लास में, नहीं है सर? हाँ किए थे बट अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है वो, पता नहीं क्यों. तो एक बार डाउट्स मेरे को भेजो ना तो मैं बताता हूँ आपको. मैं सर को मैसेज करूँ, सर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, आई विल रिप्लाई. ओके सर. ओके बोलो और कोई डाउट. नो सर.